नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीआईटीएनसीआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और कक्षा एक के सभी छात्र इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर एक पर। हिंदी की इस कक्षा में आज हम एक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है मैं भी। इस कहानी में कौन से वो पात्र हैं और किस का क्या सीखने वाले हैं आज हम इस कहानी से, ये बहुत कुछ हम जानेंगे हमारी मेहमान से। अगर आपके पास कोई भी सवाल है जो आप चाहें कि हमारी मेहमान आपको देना चाहें, तो आप हमें फोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। हमारा नंबर है 8800440559। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class1@cit.nic.in। एक चीज़ और, अगर आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि है NCERT ऑफिशियल, तो उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं मिस पारुल झुलका। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, और नमस्कार उन सभी साथियों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और ये कार्यक्रम देख रहे हैं। बिल्कुल, तो मैम का परिचय हम आप सभी से करवाना चाहेंगे। मैम है रिसर्च स्कॉलर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, और चलिए मैम से ही जानते हैं इस कहानी के बारे में जिसका शीर्षक है मैं भी। तो मैम, आज हम क्या सीखने वाले हैं इस कहानी के जरिए? ये जो कहानी मैं लाई हूँ अपने नन्हे मुन्ने साथियों के लिए, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है जी। और जैसे कि इसका नाम है मैं भी, तो अब मैं भी से हम क्या समझते हैं और मैं भी से हम क्या करना चाहते हैं या मैं भी से हमारे दिमाग में क्या आता है, ये मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ। पर तन्वी जी, उससे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है जी। जब हम कह रहे हैं मैं भी, तो आपको क्या लगता है ये कहानी किस बारे में होगी? यानी कि मेरे लिए होगी, बच्चों के लिए? और मगर बच्चे इसमें क्या कर रहे होंगे? खेल रहे होंगे। तो क्या ऐसा होगा कि मैं भी खेलना चाहता हूँ या मैं भी खेलना चाहती हूँ? हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल, मगर इस कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस कहानी में हम बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम दो दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। okay. और वो जो दो अद्भुत पात्र हैं हमारी कहानी के, मुझे लगता है आप उन सबसे मिले हुए होंगे, बट क्यों ना कहानी में देखें कि कौन आया है। बिल्कुल, तो क्या इसके लिए हम अपनी कहानी शुरू करें? जी, तो हमारी कहानी है मैं भी। अब मैं भी क्या, ये तो हमें कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। हमारे सामने एक स्लाइड मौजूद है जिसमें आप देख रहे हैं हमारा पहला वाक्य जी। इसमें लिखा है कि एक अंडे में से एक बतख का बच्चा निकला। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा पहला पात्र कौन है? बतख का बच्चा। अब उस बतख के बच्चे ने अंडे से निकलते ही कुछ बोला, और क्या बोला? वो बोला, लो मैं अंडे से निकल आया। अब जैसे ही ये अंडे से निकल कर आया, तो उसके बाद एक अंडे में से एक मुर्गी का चूजा भी निकला। तो मुर्गी के चूजा निकलते ही क्या बोला होगा? मैं भी आ गया। तो अब हमारे पास दो पात्र है, एक मुर्गी का चूजा जो अभी अभी निकला है, और जो मुर्गी के चूजे से पहले निकला था एक बतख। तो अब इन दोनों में दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है, ये तो हमें आगे कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो बतख था, बतख आगे आगे चल रहा था, और चलते चलते उसने बोला कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ। अब बेचारा मुर्गी का चूजा वहां पर क्या करता अकेले, तो उसने क्या बोला? उसने बोला, मैं भी चलूंगा। ये सुनकर फिर बतख ने क्या बोला? बतख ने बोला कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तो गड्ढा खोदूंगा। तो उसके बाद मुर्गी के चूजे ने बोला कि मैं भी खोदूंगा। तो इसका मतलब कि जो जो बतख करेगा वही वही मुर्गी का चूजा भी करेगा। उसके बाद क्या किया होगा उसने? अब यहाँ पे क्या लग रहा है, वो क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा है वो खाना मिला है उन्हें। हाँ, और वो कुछ खाना सोचना चाहते हैं कि अब इसे खाया जाए। तो इसके लिए बतख ने क्या बोला कि मुझे मिला है एक केचुआ। और जाहिर सी बात है फिर मुर्गी के बच्चे ने क्या बोला होगा? मुझे भी मिला है एक केचुआ। हाँ, तो उसने भी ये बोला कि मुझे भी मिला एक केचुआ। फिर उसके बाद बतख को तो गुस्सा आ गया, तो बतख ने आगे क्या किया? उसने बोला कि मुझे मिली है एक तितली। तो और जाहिर सी बात है बतख मुर्गी के बच्चे ने भी क्या बोला होगा कि मैंने भी तितली पकड़ी।
तो अब इनकी आपस में लड़ाई है, ये तितली है किसकी, क्योंकि यहाँ पर पकड़ तो दोनों ने ही रखी है। तो ठीक है, अब आगे क्या किया जाए इस कहानी में। उसके बाद बतख ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ तैरने। अब क्योंकि बतख पानी में ही रहती है तो उसके लिए तैरना तो बहुत आसान है, बट क्या मुर्गी की बच्चा जो है वो पानी में तैर पाएगा? नहीं। मगर क्या वो जाना चाहेगा? बिल्कुल। अब क्योंकि बतख वहां पे जा रही है तो मुर्गी का भी जाने का मन किया होगा, तो मुर्गी के चूजे ने क्या बोला, मैं भी। अब आपको क्या लगता है बच्चों कि क्या मुर्गी का बच्चा तैर पाएगा या नहीं तैर पाएगा? इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे को कमेंट्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए, और फिर हम कहानी में आगे देखते हैं कि क्या वो तैर पाया या वो नहीं तैर पाया। बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे ही उसने बोला कि मैं तैरने जा रहा हूँ, तो बतख तो चली गई पानी में तैरने, और उसने बोला कि देखो देखो मैं तो तैर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, ये देख के मुर्गी के बच्चे का तो मन करा ही होगा, तो वो भी कूद पड़ा कहाँ, पानी में। और जैसे ही वे पानी में डूबा या कूद लगाई, तो वो तैर पाया या नहीं तैर पाया ये तो देखने वाली बात है, बट उसका मन था भी कि मैं तो तैरूंगा। और जैसे ही वो पानी में तैरने के लिए गया, तो वहां से एकदम से आवाज आती है डूबते हुए चिल्लाने की। अब कौन डूब रहा था? चूजा, मुर्गी का चूजा, क्योंकि वह तो पानी में रह ही नहीं सकता। तो जब वो डूबने लगा तो डूबते डूबते चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वहां पे उसकी मदद करेगा कौन आखिर, ये तो सोचने वाली बात है, बट बतख का बच्चा क्या उसकी मदद करेगा? और क्या हमारे मित्र हमारी इस प्रकार मदद करते हैं? आपके मित्र आपकी मदद करते हैं तन्वी जी? मैम, जब मुसीबत आती है तो सब मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब अगर वो भी अच्छा मित्र होगा तो वो भी उसकी मदद करेगा, वरना उसको डूबने के लिए वहीं पे छोड़ देगा। तो आइए देखते हैं। उसके बाद वहां पर आया मुर्गी का बच्चा, और मुर्गी का बच्चा उसे पकड़कर कहां लेके जा रहा है, बाहर लेकर जा रहा है। और बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर आखिरकार निकाल ही लिया। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी मैं भी। मगर ये कहानी अभी यहाँ पर अंत नहीं हुई है। इस कहानी के साथ साथ मेरा आप सभी के साथ सवाल है कि आखिरकार आगे इस कहानी में क्या हुआ होगा? क्या बतख का बच्चा अलग अलग रह रहा होगा, या फिर वह दोस्त बन के आपस में मुर्गी के साथ साथ में रह रहा होगा, या फिर मुर्गी अभी भी उसकी नकल उतार रही होगी? आप बताइए तन्वी जी। मैम, मुझे लगता है उनमें गहरी दोस्ती हो गई होगी, और आगे वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। जब भी ऐसा करने लगेंगे तो शायद जो बतख का बच्चा है वो मुर्गी के चूजे को रोक देगा। बिल्कुल। और या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि बतख उसको तैरना सिखा दे। बिल्कुल। या फिर वो जमीन पर ही कुछ ऐसी दोस्ती से कुछ एक्टिविटीज करे, गतिविधियां करे, जिनसे वो खेल पाए और मजे ले पाए। अब ये तो सोचने वाली बात है और ये बहुत ही काल्पनिक बात है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी टीचर्स हमारे साथ ये वीडियो प्रोग्राम देख रही हैं, मेरा उनसे एक अनुरोध है कि बच्चों की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बढ़ावा दीजिए, और उनको इस कहानी को अपने अनुसार अंत करने का अवसर दीजिए। आपको बहुत मजा आएगा ये देखने में कि बच्चे इस कहानी को किस नए नए प्रकार से अंत करेंगे, और वहीं से ही आप क्या नई चीजें सीखने को आपको मिल सकती हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी का कोई भी अंत नहीं होता है, सिर्फ उनको अवसर देने की जरा सी जरूरत होती है। तो ये कहानी वह अवसर उन बच्चों के लिए बन सकती है, और इसी तरीके से बच्चों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए भी इस कहानी में बहुत कुछ देखने को या फिर बहुत कुछ नया जानने को मिल सकता है। अब रही बात कि डूबने की और तैरने की, जैसे कि हमने कहानी में बात करी कि मुर्गी का बच्चा नहीं तैर पाया, वो डूब रहा था, और जो बतख का बच्चा था वो तैर पा रहा था, क्योंकि वो तो पानी में ही रहता है। इसी प्रकार इनके बहुत से मित्र हैं, कुछ जो पानी में तैर पाते हैं और कुछ जो पानी में नहीं तैर पाते हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ चित्र पेश करूंगी,
और हमें बस ये देखना है कि कौन से जानवर हैं जो पानी में तैर पाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो डूब जाएंगे। तो तन्वी जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल मैम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारी गतिविधि का नाम है कौन कौन तैर सकता है जी। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन से मित्र हैं और वो क्या तैर सकते हैं या फिर वह डूब जाएंगे। बच्चों से भी ये अनुरोध है, उनको जो लगता है जो तैर सकता है या फिर जो डूब सकता है कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा जी। तो अब हमारे पास स्क्रीन पे बहुत से जानवर हैं और कुछ जानवर में से एक जानवर तो अभी हमारी कहानी का मुख्य पात्र भी था जी। तो क्या ये जो मुख्य पात्र है जिसका नाम बतख है, क्या ये पानी में तैर सकती है या फिर ये पानी में नहीं तैर सकती है? मैम, ये पानी में तैर सकती है। अच्छा, तो बिल्कुल सही जवाब दिया। ये हमारे साथ पात्र कहानी में भी था और हमें पता है कि ये पानी में तैर सकता है। इसके बाद जो हमें कूदता हुआ जानवर दिख रहा है, जो आसपास हमें हमारे कभी गली मोहल्ले में भी मिल जाता है, और अगर सबको पता होगा तो इसे केला खाना बहुत पसंद है, तो ये जानवर कौन है? ये है बंदर। और क्या बंदर पानी में तैर सकता है? नहीं मैम, बंदर पेड़ पर कूद सकता है, जमीन पर रह सकता है, पर पानी में नहीं तैर सकता। तो बंदर के लिए पानी में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम कांटा लगा देते हैं। अगला है जो, वो क्या है? मेंढक। और मेंढक कहाँ पर रहता है? पानी में। तो मेंढक भी कहाँ मिलेगा हमें? पानी में। उसके बाद आती हैं हमारी छोटी छोटी मछलियाँ, और मछलियों से संबंधित तो आप सभी ने वो वाली कविता सुनी ही होगी कि मछली जल की रानी है। तो इसका मतलब कि मछली हमें कहाँ मिलेगी? सिर्फ पानी में। और अगर हम उसे जमीन पर लाएंगे तो वो बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि वो जमीन पर बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। अब इसके बाद है एक और हमारा मित्र जिससे शायद सबको थोड़ा सा डर लगता होगा। अब वह मित्र कौन सा है? वो है मगरमच्छ। और मगरमच्छ कहाँ पर पाया जाता है? मगरमच्छ जमीन पर भी चल सकता है और पानी में भी रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन पर भी पाए जा सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, और वही उनमें से ही एक जानवर हमारे पास कौन है? मगरमच्छ। तो अगर हम इसको पानी में भेज भी देंगे तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो वापस आ ही जाएगा। तो इसीलिए हम इसको भी पानी में तैरने के लिए भेज सकते हैं जी। अब इसके बाद जो हमारे पास जानवर आता है वो है एक चिड़िया। चिड़िया, अब क्या किसी ने चिड़िया को कभी पानी में देखा है? नहीं। तो चिड़िया कहाँ पाई जाती है? हवा में, आसमान में, आसमान में, पेड़ों में। तो इसीलिए चिड़िया भी हमारी पानी में नहीं रह पाएगी। चलो, ये तो बात हुई कि कौन से जानवर पानी में तैर पाएंगे और कौन से जानवर पानी में नहीं तैर पाएंगे। मगर ऐसी बहुत सी चीजें भी होती हैं जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, जिनको हम पानी में डालकर देख सकते हैं कि क्या वो पानी में डूब जाएंगे या फिर वे ऊपर तैरते रहेंगे। मुझे पक्का पता है कि बच्चे जब बचपन में शैतानियां करते हैं तो ऐसी चीजें तो जरूर ट्राई करते हैं, और आपने भी कभी ना कभी कुछ पानी में डाल के देखा ही होगा कि क्या वो तैर रहा है या वो डूब गया है जी। तो क्यों ना हम ये अभी यहाँ पर भी करके देखें। बिल्कुल, हम करके तो नहीं देख पाएंगे, मगर क्यों ना हम उन चीजों को अलग अलग करके देखें कि कौन सी चीजें हमारे पास तैरने वाली हैं और कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे पास डूबने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी अगली गतिविधि कौन सी है। हमारी अगली जो गतिविधि है उसका नाम है कौन डूबेगा और कौन तैरेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कई चीजें दिख रही होंगी जिनका चित्र ऊपर बना हुआ है जी, और साथ ही में दिख रहे होंगे दो बक्से। अब पहले वाले बक्से में हम वो चीजें डालेंगे जो क्या करेंगी, डूब जाएंगी, और दूसरे वाले बक्से में हम वो चीजें डालेंगे जो हमारे लिए तैरती रहेंगी। अब ये चीजें आप सभी ने अपने आसपास जरूर देखी होंगी, और हो सकता है कि आप इनको खुद भी करके अनुभव कर पाए कि कौन सी डूब रही है और कौन सी तैर रही है। मगर ये गतिविधि कंप्लीट होने के बाद मेरा आप सबसे एक सवाल रहेगा
जो इससे संबंधित होगा, तो जरूर ध्यान दें कि कौन सी चीज डूब रही है और कौन सी चीज तैर रही है, क्योंकि इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो इसी गतिविधि से संबंधित है। तो हमारी पहली चीज क्या है? कलर्स। कलर्स या चौक, जो हम क्लासरूम में टीचर को यूज करते हुए भी देखते हैं। अब आपको क्या लगता है कि चौक तैरता रहेगा या चौक डूब जाएगा? मैम, मुझे लगता है कि थोड़ी देर तक जो चौक है वो फ्लोट करेगा, नहीं डूबेगा, और उसके बाद जब वो घुल जाएगा तब वो डूब जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक वह हल्का रहेगा तो वो पानी के ऊपर रहेगा, और जैसे ही वो पानी के संबंध में आएगा और वह भारी हो जाएगा तो वो पानी के नीचे पहुंच जाएगा। जी, तो क्या इसका हम आइडिया वजन से लगा रहे हैं? मैम, वजन से हाँ लगा रहे हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि भारी चीज जो है वो डूब जाती है और हल्की चीज जो है वो ऊपर ऊपर रह जाती है? नहीं मैम, भारी चीज भी कभी कभी ऊपर तैरने लगती है, बशर्ते उसमें होल हो। हाँ, जिससे कि वे पानी निकाल पाए या फिर अंदर लेकर उसको बैलेंस बना पाए। मगर हमारे छोटे बच्चों को अभी शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी होल्स आइडेंटिफाई करने में, तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि आप उठाकर देखिए कोई वस्तु को, अगर आपको लगता है वे भारी है तो आप आजमा कर देख लीजिए। मगर ये गतिविधि भी अपने पेरेंट्स या टीचर की आसपास होने पर ही करिएगा, और कोई महंगी चीज को डालकर मत देखिएगा कि जिससे घर में नुकसान हो जाए। तो हमारी पहली चीज जो थी यानी कि चौक, वह डूब जाएगी। उसके बाद है हमारे पास एक पत्थर, और पत्थर जाहिर सी बात है क्या होता है? भारी। भारी, तो पत्थर कहाँ जाएगा? डूब जाएगा। तो वो भी जाएगा पहले वाले बक्से में, क्योंकि वह भी पानी में जाकर डूब जाता है। इसके बाद है हमारे पास रुई। रुई का इस्तेमाल हम बहुत सी चीजों में करते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं रुई से, कई बार हम उसको ड्राइंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और चोट लगने पर भी सबसे पहले हमारी मम्मी क्या लगाती हैं? रुई लगाती हैं। और अगर किसी ने रुई को उठाकर देखा होगा तो रुई बहुत ही हल्की होती है, तो इसीलिए रुई हमारी क्या करेगी? तैरेगी। मगर अगर रुई ज्यादा पानी को सोख लेगी तो वह भी क्या हो जाएगी? भारी, और फिर उसके बाद वे डूब जाएगी। और उसके बाद आता है हमारे पास एक कागज का टुकड़ा। कागज की नाव भी बच्चे बनाते होंगे। अब क्योंकि बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि आप सब नाव बना के उसको पानी में चलाएंगे भी और मजे भी लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पानी की नाव कभी डूबती है पानी में? नहीं मैम, पानी की नाव हमेशा तैरती रहती है, क्योंकि कागज बहुत ही हल्का होता है, तो इसीलिए कागज भी क्या करेगा? पानी में तैरेगा। बिल्कुल सही। उसके बाद आती है हमारी पेड़ की छोटी सी शाखा। अब क्या कभी पेड़ की शाखा को किसी ने पानी के अंदर डूबते हुए देखा है? नहीं। और उसको हमेशा हमने क्या करते हुए देखा है? तैरते हुए, क्योंकि वह भी होती है बहुत हल्की, तो ये भी क्या करेगी? तैरेगी। इसके बाद आती है पेंसिल। बच्चों, इसको तो आप पानी में डालकर देख ही सकते हैं कि क्या ये पानी में डूबेगी या फिर ये तैरेगी, क्योंकि पानी भी थोड़ी सी हल्की होती है, इसीलिए कुछ देर तक तो वह भी तैरेगी। मगर अगर उसने भी, लकड़ी ने भी पानी को सोख लिया तो वो भी डूब जाएगी। अब अगर हमारे पास पेंसिल आई थी, कागज आई थी, तो जाहिर सी बात है हमें अपना शार्पनर भी देख लेना चाहिए है जी। तो क्या ये डूबेगा या फिर ये तैरेगा? मैम, मुझे लगता है ये तैरेगा। मगर क्या ये थोड़ा सा भारी नहीं होता है? हाँ, पर इसमें छेद होता है, तो अगर छेद में भी पानी भर गया तो यह भी डूब जाएगा। अब क्योंकि हमने वजन के बारे में भी बात कर ली है और हमने ये भी बात कर ली है कि कौन सी चीज डूबती है और कौन सी चीज तैरती है, तो और एक और खेल है अब मेरे पास। अब तो मैंने आपको साफ बता ही दिया है कि वजन के होने से पानी में चीजें डूब जाती हैं, और अगर वह हल्की होती हैं तो वह तैरती रहती हैं।
मैम ये जो रुई है ना जी, जो रुई का चित्र है देखने में ऐसा लग रहा है ये गोभी का फूल है। अगर ये गोभी का फूल होता तो क्या ये डूबता या फिर ये तैरता? तो मैम शायद डूब जाता। बिल्कुल सही बात, क्योंकि गोभी भारी होती है। सही बात है, मगर ये हमारे पास रुई का चित्र है तो ये तो हमारे लिए भी तैरेगा जी। अब बात हमारे पास ऐसी है कि इसके बाद हमारे पास आपके लिए एक खेल है। अब उस खेल का नाम है कि कौन जाएगा ऊपर और कौन रहेगा नीचे। आपने एक खेल खेला होगा जो शायद सभी बच्चों के स्कूल में भी होता है, और वह खेल कौन सा होता है? सीसो। और अभी हमने जब वजन की बात कर ही ली है तो हम वजन का अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि कौन सा चीज भारी होती है और कौन सी चीज हल्की होती है। तो और अगर हमने सीसो भी खेला होगा तो कभी ऐसा होता है कि कोई ऊपर चला जाता है और कोई नीचे ही रह जाता है जी। और ऐसा ही हमने कभी तराजू में भी देखा होगा, अगर चीज भारी होती है तो तराजू का एक पलड़ा नीचे रह जाता है और जोन सा हल्का होता है वह ऊपर रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। और पानी में भी ऐसा ही होता है कि जोन सी चीज भारी होती है वह नीचे रह जाती है और जोन सी चीज हल्की होती है वह ऊपर तैरती रह जाती है। और खेल में भी हम यही करते हैं कि जोन सा बच्चे का वजन ज्यादा होता है वह नीचे रह जाता है और जिस बच्चे का वजन कम होता है वह ऊपर हो जाता है जी। तो यही जो अब हमारा सीसो वाला खेल है ये हमारे कुछ मित्र खेल रहे हैं। अब हमें इन मित्रों को देखना है, पहचानना है, इनके वजन का अनुमान लगाना है और हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा मित्र ऊपर पहुंच जाएगा और कौन सा हमारा मित्र खेल में नीचे रह जाएगा जी। तो क्यों ना मैं आपको चित्र दिखाऊं और मित्रों से मिलवाऊं कि कौन कौन से मित्र हमारे साथ ये खेल खेलने आए हैं। बिल्कुल मैम। तो हमारा जो पहला सीसॉ में जो मित्र खेलने आए हैं वो कौन है? वह एक हाथी। अब हाथी चल रहा है सीसॉ की तरफ। अब आपको क्या लगता है इसके मुकाबले में कौन आएगा, और जो भी इसके मुकाबले में आएगा क्या वो जीत सकता है या वह नहीं जीत सकता है? तो जो हमारी अगली मित्र है वो है एक बिल्ली। तो अब सीसॉ में एक तरफ कौन बैठने वाला है? हाथी। और एक तरफ कौन बैठने वाली है? बिल्ली। अब जो भी मित्र ऊपर पहुंच जाएगा हमें उसके ऊपर गोला लगाना है। और यहाँ पे तो मुझे लगता है कि बिल्ली की हंसी ही सब कुछ बता रही है कि कौन ऊपर जाने वाला है और कौन नीचे रहने वाला है जी। तो हल्का कौन हुआ? बिल्ली। तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर। ये तो हो गई एक मित्र। अब उसके बाद ये खेल कौन खेलने आया है? ये खेल खेलने आई है एक छोटी सी चींटी, और चींटी के साथ ये खेल खेलने आई है मुर्गी। अब आपको क्या लगता है इनमें से हल्का कौन है और भारी कौन है? मैम चींटी हल्की है और मुर्गी भारी। तो ऊपर कौन जाएगा? चींटी। और नीचे कौन रहेगा? मुर्गी। बिल्कुल सही जवाब। तो जो ऊपर जाने वाली है वो है चींटी। इसी के साथ जो हमारे अगले मित्र हैं वे हैं मगरमच्छ। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे जो है वो है एक मोर। अगर इन दोनों में मुकाबला करवाया जाएगा तो आपको क्या लगता है तन्वी जी, कौन भारी होने वाला है और कौन हल्का होने वाला है? मैम मुझे लगता है मगरमच्छ भारी होगा और वो नीचे रहेगा, और जो मोर है वो हल्का है इसलिए वो ऊपर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा मोर है वो होता है हल्का और जो मगरमच्छ है वो है भारी, तो इसलिए ऊपर कौन जाने वाला है? मोर। तो ये तो थे हमारे कुछ मोर और कुछ गतिविधियां जो मैं आपके लिए लाई थी। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि अगर आप अपने कुछ मित्रों के साथ बैठना चाहोगे सीसो में या फिर अपनी टीचर के साथ, भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, तो आपको क्या लगता है कौन जाएगा ऊपर और कौन रहेगा नीचे? इसका अनुमान आपको लगाना है और आपको कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताना है। बिल्कुल। और साथ ही में आपको इस कहानी को क्या करना है हमारे लिए पूरा, कि मैं भी जो कहानी है उसका अंत क्या हो सकता है। ये तो रही एक कहानी की बात।
अब तन्वी जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं जब ये शब्द सुनती हूँ मैं भी, तो मेरे मन में आता है कि मैं भी क्या करना चाहती हूँ। शायद मैं भी एक उड़ान भरना चाहती हूँ, मैं भी कुछ खाना चाहती हूँ, मैं भी खेल खेलना चाहती हूँ। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। कैसा रहेगा कि अगर हम चित्र के थ्रू दिखाएं कि मैं भी क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ, उस पे हम कुछ चर्चा करें। बिल्कुल। तो तन्वी जी, अगर मैं आपसे पूछूं, इस वाक्य को आपको पूरा करना है मैं भी, तो आपके लिए वाक्य पूरा करने पे क्या होगा? मैं भी और पेड़ उगाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बात है, आप पेड़ उगाना चाहते हैं। और इसी तरीके से हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हम उनको जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं या उनकी पसंदीदार चीज क्या है। जी। अगर मेरी माँ ये शब्द बोलेगी मैं भी, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं भी मंदिर जाना चाहती हूँ। और तन्वी जी, अगर आपके पापा बोले मैं भी, तो वो वाक्य कैसे पूरा होगा? तो वो बोलेंगे मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहता हूँ। हो सकता है। और अगर हमारा कोई मित्र बोलेगा मैं भी, तो वो बोलेगा मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलना चाहता हूँ। और अगर कोई चींटी बोलेगी मैं भी, तो चींटी बोलेगी मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। अगर कोई चूहा बोलेगा मैं भी, तो चूहा बोलेगा मैं भी तुम्हारे साथ खेल कूद करना चाहता हूँ। अगर कोई बिल्ली बोलेगी मैं भी, तो बिल्ली बोलेगी मैं भी तुम्हारे साथ दूध पीना चाहती हूँ। तो ये तो बहुत सी बातें हैं जिनका कोई अंत नहीं है, और जो हमारे रोज की जिंदगी में हम आसपास देखते हैं, और उन्हीं को हम कहानी में पिरो सकते हैं। तो आप इसी कहानी को, किसी भी कहानी को पिरोने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक पात्र चाहिए होता है। उस पात्र को हम साथ में किसी और के साथ जोड़ने के लिए अन्य पात्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमें क्या चाहिए होता है? एक समस्या, या फिर जिसका वो समाधान करेंगे, या फिर जिसके लिए वो नई नई सिचुएशंस में अपने आप को खोजते हुए पाए जाएंगे। जैसे कि इस कहानी के दो मुख्य पात्र कौन थे? एक बतख और एक मुर्गी। तो किसी भी कहानी पे रोने के लिए हमें सिर्फ दो पात्रों या फिर एक पात्र के साथ भी हम कहानी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम एक कहानी मैं भी में एक नया पात्र ले ले चूहा, और एक नया पात्र तन्वी जी आपकी पसंद का ले लेते हैं, और बिल्ली। ठीक है, तो हमने एक पात्र ले लिया बिल्ली। तो एक पात्र है अब चूहा और एक पात्र है अब बिल्ली। अब अगर हमें इस कहानी को आगे बढ़ाना है, तो अब हमें एक समस्या की भी जरूरत है। तो क्यों ना उस समस्या यानी कि उस सिचुएशन को बुना जाए। तो क्या हो सकती है वो सिचुएशन तन्वी जी? मैम, दोनों को खाना चाहिए और दोनों उसी के पीछे भाग रहे हैं। मगर बिल्ली तो चूहे को ही खाना पसंद करती है। हाँ। और चूहा क्या खाना पसंद करता है? चूहा कुछ भी खा सकता है। चूहा चीज भी खा सकता है। चीज खा सकता है। ये चूहे के लिए हमने एक कोने पे पनीर छुपा दिया है। जी। तो अब हमारी कहानी के दो पात्र हैं, एक है चूहा और एक है बिल्ली। और इन दोनों पात्रों को लगी है बहुत तेजी से भूख। जी। एक का खाना है पनीर जो कहीं पे छुपा हुआ है, और एक का खाना तो वह पात्र ही है। जी। तो अब इस कहानी में आगे क्या होगा? और इस कहानी का नाम भूले नहीं बच्चों, इस कहानी का नाम है मैं भी। तो अब इस ये कहानी आगे कैसे बढ़ने वाली है? ये हम बच्चों के क्रिएटिविटी पे छोड़ देते हैं। बच्चे इस कहानी को कहाँ ले जाना चाहें ये बच्चे तय करेंगे। मैम, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है इस पर और चर्चा करने के लिए, लेकिन हमने जितनी भी बातचीत करी है, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से जो सीसॉ खेलते हैं वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, माता पिता के साथ हो, या किसी के भी साथ हो। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई और इस कहानी पर इतनी विस्तार से चर्चा की। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी के साथ आपने आनंद भी लिया होगा, और ये भी सीखा होगा कि हम कहानी कैसे सिर्फ कुछ चीजों के साथ बुन सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल।
और कहानी, जिस तरह मैम ने कहा कि आप बहुत कुछ सोच सकते हैं इस कहानी से जुड़ा हुआ, कहानी का अंत कैसे होगा और कहानी की ये जो दो पात्र हैं वो किस तरह से आगे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो बहुत कुछ है इस कहानी में सोचने के लिए, सीखने के लिए और साथ ही साथ पढ़ने के लिए भी। तो आप इस कहानी को एक बार फिर से ज़रूर पढ़िएगा और बहुत कुछ सीखेगा। हम इस कार्यक्रम को यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में मैथ्स का एक कार्यक्रम लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। चैप्टर नंबर 8 पर बातचीत होगी और आप सीखेंगे काउंटिंग 21 से लेकर 50 तक। तो थोड़ी देर में PME विद्या चैनल नंबर 1 पर ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, नमस्कार।